अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिस्टर सरमद फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। आज जिस प्रोजेक्ट पे मैं मौजूद हूँ वो है टेक मॉल, और मैं आपको बताने वाला हूँ अपने ऑफिस की लोकेशन जो कि बहरिया टाउन कराची के कहाँ पे मौजूद है। थीम पार्क साइट ऑफिस हमारा मूव हो गया है टेक मॉल साइट के ऊपर। टेक मॉल यहाँ बन रहा है लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का काम डे एंड नाइट जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स भी रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने अपना ऑफिस मूव किया है। हमारा न्यू ऑफिस लोकेशन, न्यू ऑफिस एड्रेस हमारा टेक मॉल है जो कि मलिक स्क्वायर के जस्ट बिल्कुल सामने है। आप देख सकते हैं कि मलिक स्क्वायर बहुत अट्रैक्शन प्लेस है मिडवे कमर्शियल ए, मिडवे कमर्शियल बी को जो भी एक्सेस होती है, जो लोग भी यहाँ से मूव करते हैं बहरिया टाउन कराची हेड ऑफिस के लिए या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ पे अच्छे फूड ब्रांड्स भी मौजूद हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स भी मौजूद हैं, और यहाँ सारे ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे आते जा रहे हैं। आप हमारे पास यहाँ पर ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन अपडेट इसकी ये है कि बेस आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट फ्लोर से लेके फिफ्थ फ्लोर तक एक मोबाइल मार्केट बनने वाली है ये। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ऑफिस की लोकेशन बताई जाए जहाँ पर आप लोग हमसे आके मिल सकते हैं और हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं शॉप्स के हवाले से। फिफ्थ फ्लोर के बाद मैं बात करता हूँ, सिक्स्थ फ्लोर पर बनेगा हमारा फूड कोर्ट। जिस तरह से एक मॉल के अंदर एक एरिया होता है, एक फूड कोर्ट का एरिया होता है जहाँ पे लोग आके अपने ब्रंच को, लंच को, डिनर को एंजॉय कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे सिक्स्थ फ्लोर के ऊपर बन रहा है। और उसके बाद सेवन फ्लोर से लेकर ट्वेल्थ फ्लोर तक बनेंगे कॉरपोरेट ऑफिसेज, जिसका काम डे एंड नाइट जारी है। और हम नेक्स्ट 15 मंथ्स के अंदर ये प्रोजेक्ट हम डिलीवर करने वाले हैं अपने वैल्यूड कस्टमर्स को। जिन लोगों ने हमारे पास बुकिंग करवाई थी आज भी वो प्लस में है, क्योंकि डिगिंग के बाद बिल्डर रेट रिवाइज़ कर देता है, चाहे वो कोई भी बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई भी बिल्डर हो, डिगिंग के बाद रेट रिवाइज़ हो जाते हैं। और हमारे दो बार ऑलरेडी रेट रिवाइज़ हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पता है कि डेफिनेटली बढ़ रही है, तो हम लोगों ने बहुत ही फ्लेक्सिबल रेट्स रखे हुए हैं अपने शॉप्स की। किसी को अपनी शॉप बनानी है, किसी को अपना फूड कोर्ट में स्पेस चाहिए, या किसी को अपना कॉर्पोरेट ऑफिसेस बनाना है, तो आप हमारे साथ यहाँ पे हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं बहरिया टाउन कराची से। मेन गेट से एंटर होने के बाद आपने स्ट्रेट आना है, बिल्कुल स्ट्रेट आने के बाद आपको जेना के बाद आपने लेफ्ट होना है, जो राडो चौक बना है वहाँ से आप लेफ्ट होंगे और सीधा आप स्ट्रेट आ जाएंगे मलिक स्क्वायर के ऊपर। प्लॉट नंबर 194, 195, 196, 197 टेक मॉल का लोकेशन है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, टेक मॉल के साथ ही साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट है डॉक्टर प्लाजा। बेसिकली ये हमारे तीन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, टेक मॉल, डॉक्टर प्लाजा, दो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। उसके अलावा हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बन रहा है जिसका नाम है लेक व्यू रेजिडेंशिया। लेक व्यू रेजिडेंशिया बहरिया टाउन कराची के अंदर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने ऐसा प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है जो कि हम फुली फर्निश्ड देने वाले हैं अपने क्लाइंट यूजर्स को। तो हमारे पास लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है अपार्टमेंट्स के अंदर भी, शॉप्स के अंदर भी। आप लोग आएँ बहरिया टाउन कराची विजिट करें, और बहरिया टाउन कराची विजिट करने के बाद आप लोग हमारे पास लाजमी मीटअप के लिए आएँ यहाँ पर टेक मॉल साइड ऑफिस के ऊपर जो कि मलिक स्क्वायर के ऊपर है, और हमसे आके आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से, क्या आप लोगों को सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान है। जस्ट 25% डाउन पेमेंट करके आप अपना यहाँ पर शोरूम, शॉप, फूड कोर्ट या ऑफिस बुक करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी आएँ और विजिट करें, और अपने इस इन्फ्लेशन के दौर में अपने पैसे को सिक्योर करें, अपनी प्रॉपर्टी बनाएं। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, उससे पहले मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बी अमारुल्लाह।